दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें, फाइनली बहुत ही बड़ी खुशखबरी केरला के स्टेडियम से सामने निकल कर आ रही है। अब दोस्तों होने वाला है इतने ओवर का मैच, क्योंकि दोस्तों बारिश की वजह से ओवर घटाए जा रहे हैं। और इतने ओवर का मैच कितने बजे से शुरू होगा, बात होगी सभी क्रिकेटर फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि कितने ओवर का मैच है, यहाँ पर अंपायर की तरफ से होने की उम्मीद जा रही है और कितने बजे एग्जैक्ट चालू होगा, खुशखबरी क्या है सारी चीज बताते हुए। अगर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया चैंपियन बने तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर साथ ही चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केरला में आज भारत और नीदरलैंड के बीच आखिरी वार्म अप मैच खेला जाना है, जो कि विश्व कप 2023 पहले भारतीय टीम के और आखिरी वार्म अप मैच है। इस मैच के लिए करोड़ों फैंस और भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। भारतीय टीम बड़े बड़े टीमों के खिलाफ तो दोस्तों आपको बता दें कि मैच खेल कर आ रही है, चाहिए आप एशिया कप की बात कर ले, पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका की जैसे टीम के खिलाफ खेल रही है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी हरा कर आ रही है। लेकिन दोस्तों विश्व कप के लिहाज से, विश्व कप के तौर पर, विश्व कप के एक भी मैच से भारतीय टीम अभी तक नहीं खेला है। लेकिन आपको बता दें कि जो है भारत और नीदरलैंड के बीच बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत होना था, लेकिन दोस्तों ग्राउंड से तो बहुत बारिश आ रही है जिसकी वजह से मैच में देरी हो रही है। लेकिन दोस्तों अंपायर के हवाले से सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है आज हमें, जो कि 30-30 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है, 30 ओवर का एक मैच देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों आखिरी उम्मीद है कि भारतीय टीम को प्रैक्टिस मैच कर पाएगा, इसके बाद भी भारतीय टीम को अपना पहला ऑस्ट्रेलिया मैच विश्व कप के तौर पर खेला जाना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। तो हम लोगों को लगभग दोस्तों 4:30 से 5 बजे तक हमें ये मैच चालू होते हुए नजर आएगा, 30-30 ओवर का मैच, यहाँ पर अंपायर के हवाले से होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कमेंट में आप जरूर बताइए कि भारतीय टीम को आज का मैच जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि नीदरलैंड की टीम उतना ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी टीम इस वर्ल्ड कप से अपसेट कर सकती है। कमेंट में जरूर बताइए क्या टीम इंडिया जीत पाएगी या नहीं।